नमस्कार दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि शाह परिवार मिलके राम नवमी के अवसर पर सब रामलीला कहानी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अनुज, श्रुति और बेटी भी उधर पहुंच जाते हैं। रामलीला कहानी के ऑर्गेनाइजर्स आके बोलते हैं कि कुछ इमरजेंसी की वजह से रामलीला कहानी आज नहीं दिखा पाएंगे। तब ऑडियंस में बैठे सब लोग चौंक जाते हैं। तभी अनुपमा उठ के सबको परेशान ना होने के लिए बोलती है। अनुपमा शाह परिवार के सारे बच्चे लोगों को लेके बैकस्टेज चली जाती है। कुछ ही देर में हमें ये दिखाई देता है कि शाह परिवार के सारे बच्चों को अनुपमा तैयार करवा के रामलीला के एक एक कैरेक्टर बना के रामलीला की कहानी को स्टेज पर शुरू करती है। ऑडियंस में बैठे सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं। पूरा रामलीला की कहानी शाह परिवार के बच्चे बखूबी निभाते हैं। सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद अनुज सब बच्चों को गिफ्ट देता है। तभी डिम्पी आके अनुज को अपनी शादी में बुलाती है। तब अनुज बोलता है कि वो कन्यादान करने के लिए जरूर आएगा। तभी वनरा जाके बोलता है कि कन्यादान उसके पापा ही करेंगे, गार्डियन नहीं। पूरा शाह परिवार वापस भारत जाने की तैयारी करते हैं। क्या वनराज डिम्पी के कन्यादान कर पाएंगे? क्या अनुपमा और अनुज की नजदीकियां और बढ़ेंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।